हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको मैं एल टी ग्रेड के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि छात्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है वैकेंसीज़ का, और एल टी ग्रेड का भी खासकर बहुत ज़्यादा इंतज़ार है स्टूडेंट्स को, और छात्र भी मांग कर रहे हैं कि जल्दी एल टी ग्रेड की भर्तियाँ आ जानी चाहिए। तो वहीं एक तरफ आपको बता दें, नियुक्ति ना मिलने से अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि वर्ष 2018 की एल टी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप एल टी ग्रेड की नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब तक जो पुरानी भर्तियों का पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उसका पूरा निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक इस भर्ती पर, नई भर्ती पर कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और ऐसे में जो फाइन आर्ट का मामला लगा हुआ है इसमें, क्योंकि जो फाइन आर्ट से रिलेटेड है वो अभ्यर्थी कोर्ट तक भी जा रहे हैं, तो जब तक उस चीज़ से रिलेटेड कोई फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक एल टी ग्रेड की कोई भी नई सूचना आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक पुराने का फैसला ना हो जाए। निदेशालय ने अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दे दी, लेकिन विनय नियमावली में न होने का हवाला देकर अंग्रेजी भाषा के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब निदेशालय अंग्रेजी भाषा की अंग्रेजी साहित्य के समक्ष नहीं मान रहा है, तो इस विषय को पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। यानी छात्र जो है इस तरह से पूरे खड़े हुए हैं कि इनको जो है न्याय मिलना चाहिए और जल्दी इनके में पहले चयन होना चाहिए। तो ऐसे में यही समझ में आता है कि जब तक पुरानी भर्ती नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती का कोई भी आवेदन अभी शुरू नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है इस भर्ती को जल्दी पूरा करवाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो है टीजीटी पीजीटी 2021 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस टाइम टीजीटी पीजीटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाह भी फैल रही, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप अफवाहों से दूर रहिए थोड़ा। और आपको बता दूँ कि तदर्थ शिक्षकों की तरफ से ऐसे बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं परीक्षा को लेकर कि उन्हें वो आदेश मिला है, उन्हें ये सब आदेश मिला है, मतलब कुछ भी वो कह रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़्यादा मान्य रखेगा, इसलिए जब तक उनका फैसला नहीं तब तक कोई अफवाह में आपको बिलीव नहीं करना है। और अब आपको बस इंतज़ार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी चीज़ माननीय नहीं हो सकती है। इसलिए हमें फैसले का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको बता दें, क्या दोबारा आवेदन करने को निर्देश चयन बोर्ड को जारी किए गए? ऐसे में जो भी अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। पहले से पहले कि आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि आप कोई भी अपडेट से पीछे ना रहें और हमेशा अपडेट में पहले ही आप जानकारी मिल जाए आपको। अधिवक्ताओं से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो ये पता चला कि आज दोपहर तक इसके बारे में आपको आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। और यदि कोई ऐसा आदेश आता है या कोई अपडेट आती है, आपको मेरे चैनल के थ्रू पहले ही मिल जाएगी। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।